सबसे पहले तो ट्रेलर की अगर बात करी जाए अगर मर्जा हुआ की तो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया. अरे आइए आइए, कम आइए आइए, तू हमेशा मैं आइए आइए. सोफा खा गया. Thank God. सोफा गया. Yes, सिद्धार्थ आपको सवाल पूछा है. तारीफ कर रहे थे मिला. ट्रेलर को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है फिल्म को लेकर, किस तरीके का रिस्पॉन्स आप सबको मिल रहा है? जैसा कि आपने कहा, हम बहुत एक्साइटेड है जो रिस्पॉन्स हमें मिला है, चाहे वो ट्रेलर हो या गाने हो. हमारी पिक्चर एट इट्स कोर एक हमारी पिक्चर एट इट्स कोर इज़ अ लव स्टोरी. और तो उस लव स्टोरी में जब लव सॉन्ग्स लोगों को पसंद आते हैं तो दैट मीन्स लोग उस लव स्टोरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्साइटेड है देखने के लिए. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और अभी हम बहुत एक्साइटेड है 15 नवंबर को लेकर कि लोग हमारी पिक्चर देखें. नितेश, आपके जो किरदार की अगर बात करिए, काफ़ी डिफरेंट किरदार इस बार आप प्ले कर रहे हैं, जिस तरह की सबने देखा है निगेटिव, तो मतलब हमने आपको ऑलरेडी देखा है, लेकिन जो बाकी जो फर्क जो हम देख रहे हैं, बाकी डिफरेंस जो हम देख रहे हैं आपके बाकी किरदार से, उसके बारे में कुछ बताइए. सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है मेरे लिए, क्योंकि एक विलन में जब सिद्धार्थ के साथ मैंने काम किया था, वो फिल्म मिलाप ने लिखी थी, और पहली बार आई गिव फुल क्रेडिट टू मोहित सूरी एंड एकता फॉर कास्टिंग मी इन रोल, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत सारी कॉमेडीज़ कर रहा था और एक एक्टर जिसे ज़्यादातर कॉमेडीज़ में देखा जाता है, उसे विलन का रोल देना एक बहुत बड़ी रिस्क थी, उन्होंने वो उठाई. एंड उस वक्त हमारे करियर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म साबित हुई, दोनों के लिए, मेरे लिए सिद्धार्थ के लिए. और आज पाँच साल बाद जब हम इकट्ठा वापस आ रहे हैं और वो भी हीरो और विलन के जोड़ी में, तो ये बहुत ज़रूरी था कि इस बार मैं क्या अलग कर रहा हूँ. और जिस तरह मिलाप ने ये कैरेक्टर लिखा, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मिलाप का कि उन्होंने ऐसा किरदार लिखा जिसके वजह से एक एक्साइटमेंट मुझ में थी, एज एन एक्टर लालच भी था कि बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं एक्टर के करियर में कि उसे इस तरह के रोल निभाने का मौका मिलता है. और इसमें इतनी डायलॉग बाजी है, 16 साल के करियर में मुझे लगता है, हालांकि ये 3 फुट का इंसान है, लेकिन इससे मैंने बड़ा या लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. ओके सर, व्हाट टॉक अबाउट योर लुक एक्चुअली, मतलब लाइक हाउ वाज द लुक डिजाइन फॉर रितेश? वेल, वी वॉन्टेड टू समथिंग डिफरेंट. आई डेंट वॉन्ट हिम टू बी क्लीन शेवन. ही प्लेज अ वर्टिकली चैलेंज पर्सन. आई वॉन्टेड हिम टू लुक डिफरेंट फ्रॉम यू नो फ्रॉम रितेश देशमुख दैट वी ऑल लव सीइंग. यू नो ही सो स्वीट लुकिंग एंड नाइस लुकिंग डे टू डे. यू नो आई डेंट वॉन्ट टू बी क्लीन शेवन बिकॉज ही वॉज क्लीन शेवन एंड विलन. आई वॉन्टेड टू समथिंग डिफरेंट बिकॉज लाइक ही सेड, ये विलन से अलग फिल्म है. द जोडी इज देयर बैक अगेन, लेकिन फिल्म का जो एक मूड है, इमोशन है, वो बहुत अलग है विलन से. तो तब हमने डिस्कस किया रितेश के मैं सजेशन कि मैं लंबे बाल रखता हूँ, यू नो दाढ़ी रखता हूँ. वी डिज़ाइन द लुक ऑफ हिज कैरेक्टर, ही वेज डार्कर शेड्स, क्योंकि जो किरदार है वो विलन है, वो नेगेटिव है, तो उस किस्म का हमने किरदार डिज़ाइन किया रितेश के लिए. वैसे सिद्धार्थ के लिए हमने उल्टा किया. सिद्धार्थ द रेफरेंसेज आई कैप सेंडिंग सिद्धार्थ इज टू आई सेंड हिम रेफरेंसेज ऑफ यू नो ऑफ अमित जी इन अग्निपथ, ऑफ जैकी श्रॉफ सर इन हीरो, सनी देओल सर इन जीत, शाहरुख सर इन राम जाने. दीज आर माई रेफरेंसेज आई कैप सेंडिंग. जो बंडाना का लुक था, यू नो मुँह में माचिस की तीली, एक ट्रेडिशनल हिंदी फिल्म हीरो जो होता है उस किस्म का. सो दीज वर द थिंग्स वी डिड फॉर द टू लुक्स ऑफ द टू ऑफ देम. हाउ मच डिड यू एंजॉय योर लुक एक्चुअली? डेफिनेटली इट्स कम आउट वेरी गुड. नो, इट क्या होता है कि आप एक लुक होता है, आप एक शूट करते हो, पर क्या होता है कि जब आपको ये पता नहीं होता कि इवेंचुअली जब सारे प्रोपोर्शंस में सब, जब हाइट कम होगी, सर थोड़ा बड़ा, हाथ पैर थोड़े छोटे, ऐसा नहीं कि पूरा प्रोपोर्शनली श्रिंक किया गया है. फ्यूचर वर्क्स ने बहुत ही बेहतरीन VFX किए हैं, जिस तरह हर बॉडी पार्ट अलग अलग तरीके से उसको प्रोपोर्शनेटली कम किया गया है, और तो वो पता नहीं चलता. आप आईने के सामने खड़े हो, दाढ़ी है, बाल है. उन्होंने मुझे कहा कि जो मुझे कपड़े पहने थे, जो मिलाप ने कहा कि डार्कर शेड्स पहनेगा, तो डार्क ब्राउन, ब्लैक, डीप ऑलिव ग्रीन, ऐसे कलर के कपड़े पहने हैं, और वो भी साइज़ यानी 6 गुना 7 गुना बड़ी साइज़ मैंने पहनी है. तो इट्स नॉट लाइक फिटेड क्लोथ, वो बहुत बड़े कपड़े हैं, क्योंकि जब VFX में जब साइज़ कम करनी होती, वो थोड़ा मोटा लगना चाहिए, थोड़ा ऑकवर्ड लगना चाहिए. जब चल रहा है तो भी वो चलने के लिए भी ऐसे चल रहा था वो,
तो काफ़ी सारे बॉडी लैंग्वेज पे हमने काम किया, पर इसलिए मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ किरदार आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो उसके हर पहलू पर आपको काम करना पड़ता है एंड इट एक्साइट्स यू एज एन एक्टर. ओके, हाय एवरीवन, यू आर ओके. सो 5 years के बाद आप दोनों साथ में आ रहे हैं, सिद्धार्थ में एज एन एक्टर कितना चेंज देखा आपने इस फिल्म के दौरान? सिद्धार्थ जब मैंने फिल्म की, जैसे मैंने कहा कि उनकी तीसरी फिल्म थी और जब हमने काम किया, इट वॉज एक्साइटिंग मेरे लिए बहुत, क्योंकि तब मैंने उससे पहले या तो मेरी जनरेशन के एक्टर्स के साथ काम करा था, चाहे वो जॉन हो, विवेक हो, आफ्ताब हो, या फिर मैं सीनियर्स के साथ काम करा था बहुत सारी फिल्में, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, और ही वॉज द फर्स्ट एक्टर फ्रॉम द यंगर जनरेशन जो मेरे बाद आए, उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला. तो एक नई एनर्जी लेके आया, एक नई ऊर्जा लेके आया, जिसके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. क्योंकि क्या होता है कि हमेशा एक्टिंग के पैरामीटर्स बदल जाते हैं, एक इमोशन के पर्स्पेक्टिव बदल जाते हैं, पूछने के सवाल बदल जाते, जो एक सिचुएशन में जो सवाल शायद 70s में पूछा जाता प्यार के बारे में, 80s में पूछा जाए, वो 2010 में बिल्कुल ही अलग होगा. तो वो पर्सपेक्टिव लेकर सिद्धार्थ के साथ काम करने में उस वक्त बहुत मज़ा आया. उस वक्त से लेकर अभी अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि हर बार हम ये सोचते हैं कि कल मैं जाऊँ तो आज से बेहतर काम करूँ. तो एज एन एक्टर यू ऑलवेज वॉन्ट टू ग्रो. अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रोथ, ही वॉज फैंटेस्टिक ड्यूरिंग एक विलन, ही प्रूव्ड इट. आज जब मैं काम कर रहा हूँ तो अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रोथ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ठहराव उनके परफॉर्मेंस में आया है. एक डेप्थ है, एक गहराई है. He uses his voice more beautifully now, and also मुझे लगता है कि जब मैंने फिल्म देखी है, जब मैंने क्लाइमैक्स का सीन इनका देखा, तो मुझे उस वक्त ये लगा ही नहीं कि ये सीन इनसे बेहतर कोई कर सकता है. एंड आई फील दैट दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू फील दैट अबाउट एन एक्टर. Hi, I'm Nalin from Celeb Studio, and I really want to ask you, because in the film, who is the baazi? Is it a three-foot evil entertainer, or is it a maasi ishq? Who is the intikam in the film? कमीना पंथी जीत रहा है या फिर इश्क जीत रहा है? वो तो तुम ही आना 15 नवंबर को थिएटर्स में. और तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ बहुत लोग, बहुत आ, तुम ही आना, सब आना 15 नवंबर को थिएटर्स में आके आप देखना कि इस इंतकाम की कहानी में, इश्क की कहानी में कमीने जीतते या दीवाने जीतते. ये तो थिएटर में आपने पहले डिसाइड किया था कि आप जो नेक्स्ट पिक्चर बनाएंगे उनमें आप इन लोगों को जरूर कास्ट करेंगे, कि विलन में, एक विलन में आपने बहुत अच्छा काम करा सर, तो आपके दिमाग में थे इन दोनों के बारे में? वेल, इस फिल्म के लिए सबसे पहले रितेश से हम मिले थे, जो विष्णु के किरदार नेगेटिव रोल के लिए. तब मैं डायरेक्ट भी नहीं कर रहा था, कोई और, हमने वी हैड नॉट डिसाइडेड कौन करेगा डायरेक्ट, लेकिन निखिल प्रोड्यूस कर रहे थे और मैं लिख रहा था. तो हम रितेश से मिले और जब रितेश ने हाँ कहा और फिर सत्य में जयते चली, मैंने किसी और डायरेक्टर के लिए हाँ कहा था, फिर फंस गए बेचारे. इतना अच्छा रोल था, वो भाग भी नहीं सके. वो सत्य में जयते के बाद यू नो कि थोड़े पहले इनफैक्ट या बाद सिद्धार्थ और मेरी मुलाकात हुई, और मेरे हिसाब से सिद्धार्थ, आई ऑलवेज फेल्ट ये बहुत ही हीरोइक एक्टर है. सत्य में से पहले? हाँ, करेक्ट. तो बहुत ही हीरोइक एक्टर है सिद्धार्थ. मैं हमेशा कहता हूँ कि जो होता है ना हिंदी फिल्म का हीरो, रॉबीला, गुड लुकिंग, पावरफुल, आवाज अच्छी है, यू नो, और ही इज अ हीरो, बॉडी लैंग्वेज जो है. सो आई ऑलवेज फेल्ट ही शुड डू मोर मासी फिल्म्स, इनको एक्शन में करनी चाहिए. इन्होंने आई थिंक ब्रदर्स के बाद कभी विलेन और ब्रदर्स के बाद एक्शन फिल्म नहीं की थी, और इतनी मासी फिल्म उन्होंने कभी नहीं की थी. तो देवर माय फर्स्ट चॉइसेस बोथ ऑफ देम, एंड आई एम सो लकी दैट. वो बहुत फ्लूक था कि विलेन की जो जोड़ी है आगे, जैसे मैंने कहा पहले रितेश ऑलरेडी हाँ कह चुके थे, हाँ. और फिर सिद्धार्थ इसमें शामिल हुए. और रितेश, आपको पता लगा कि इनके डायरेक्टर अब ये हैं क्योंकि वो डायरेक्टर कोई और थे पहले, तो तब क्या रिएक्शन था आप दोनों का? आपका खुद का क्या रिएक्शन था जब आपको पता लगा मैं डायरेक्टर? Well, पहले क्या था ना, मेरी हालत उस दुल्हन की तरह थी कि शादी के लिए फोटो दिखाया गया और सात फेरे लेने के बाद जब सुहागरात के लिए पहुंचा तो दूल्हा कोई और है. सात फेरे ले चुका हूं मैं, तो मैं बाहर नहीं पाया. तो बट आई एम मोर देन जोक्स अपार्ट, आई जस्ट फील दैट मिलाप को मैं बहुत दिनों से जाता, जब से मेरा करियर शुरू हुआ है. मेरी पहली कमर्शियल हिट मस्ती इन्होंने लिखी थी, उसके बाद चाहे वो हे बीबी हो, हाउसफुल हो, ये सिलसिला हमारा चलता रहा. इनकी पहली फिल्म में मैं एक्टर था और उनकी दूसरी फिल्म में भी स्पेशल अपीयरेंस काम किया मैंने.
आज जब ये इतनी मासी फिल्म बना रहे मेरे बारे में उन्होंने सोचा तो आई जस्ट फील ग्रेट. मिलाप इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू सी द काइंड ऑफ सक्सेस ही हैज़ अचीव्ड ओवर द ईयर्स. नाउ एज अ डायरेक्टर एज अ राइटर ही वाज़ ऑलवेज सक्सेसफुल. सो आई एम जस्ट हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ हिज स्टोरी. जिस तरीके से मिलाप ने कहा कि मतलब आपका जो किरदार जो है वो रेफरेंसेस लिए गए हैं बच्चन साहब का, शाहरुख खान का, इतने बड़े बड़े उन्होंने नाम लिए हैं, तो कितना प्रेशर आपके ऊपर था एज एन एक्टर इस किरदार को प्ले करने के? वेल बिल्कुल आई थिंक प्रेशर ये था कि आप ऐसे बड़े पर्दे में जब लार्ज देन लाइफ चीज़ें कर रहे हैं जो आप असल ज़िंदगी में नहीं करते हैं, उसकी मोटिवेशन नहीं है, मैं चेंज तोड़ रहा हूँ, हेलमेट तोड़ रहा हूँ, 20 लोगों को मार रहा हूँ, आई थिंक वो एक पर्सनालिटी होती है जिनकी ये बात कर रहे हैं जो हमारे पहले के सुपरस्टार्स ने कराया और हम दोनों उनके फैंस रहे हैं, चाहे बच्चन साहब हो या शाहरुख सर हो. आई थिंक प्रेशर नहीं पड़ती, अटेम्प्ट वॉज कि हम वहाँ से इंस्पायर हुए हैं दैट कि हम अपने जोन में कुछ इंटरेस्टिंग करें, लोगों को कन्विंसिंगली दिखाएं कि यार बड़े पर्दे में जो मेरा किरदार कर रहा है वो जायज़ है, वो बिलीवेबल है, ऐसा मैं कर सकता हूँ पहले फ्रेम से, क्योंकि वो हमारी कहानी की दुनिया है और हमारी कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रेशर अब आई थिंक हमारे ऊपर है कि अभी 15 नवंबर को जब ऑडियंस देखती है तो उनको कितना मजा आता सेवेंटीज़ आप लो, एटीज़ लो, नाइन्टीज़ लो. देखिए मेरा मानना है कि ये हीरोइज़म कभी नहीं जाता. आप देख लो पिछले 2 सालों में बागी 2 हो, आप चाहे देख लो सत्यमेव जयते हो या सिम्बा हो, राइट, जो मासी एक्शन फिल्में हैं वो अगर आप अच्छी तरह बनाओ तो ऑडियंस आज भी आती है. आप साहो देख लो, साहो हिंदी में इज़ डन ऑलमोस्ट 140 crores. सो एनीथिंग दैट यू डू ऑनेस्टली, चाहे वो लव स्टोरी हो, चाहे वो एक्शन फिल्म हो, चाहे यू नो मास फिल्म हो या एक इंटेलिजेंट फिल्म हो, यू हैव टू डू इट ऑनेस्टली. और आज की जो इंडिया की मास ऑडियंस है वो आज भी थिएटर आती है. अगर आप उनके लिए फिल्म बनाओ और हमने छोड़ दिया है, हम डरने लगे क्योंकि हमें लगता है कि यू नो कूल नहीं है आजकल मासी फिल्म बनाना. बट किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि राइट नाउ ही टोल्ड मी यू आर द नीश, मास इज द नीश. माय फ्रेंड रोहित धवन टोल्ड मी दिस के नाउ यू आर द नीश राइट नाउ, एवरीबॉडी एल्स इज मेकिंग सो कॉल्ड मल्टीप्लेक्स सिनेमा एंड यू आर मेकिंग ओनली वन ऑफ द फ्यू पीपल मेकिंग ट्राइंग टू मेक मासी मूवीज. आई थिंक हमारा जो सुर है वो आपको ऐसे लगे, पर आई थिंक जो लव स्टोरी है वो यूनिवर्सल है. मल्टीप्लेक्स हो या आपके मतलब हिंदुस्तान में लव स्टोरीज बनती आ रही हैं और बनते रहेंगे, आगे बनते रहेगी. तो आई थिंक हमारी पहली ये कोर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है, जैसा कि आप हमारे ट्रेलर के एंड पे भी देखते हैं. पहली बार हम ऐसा दिखाते हैं मोड़ के यार एक वन लवर इज़ किलिंग द अदर. अब वो है कि नहीं है या वो कैसी चीज़ें या कैसी सिचुएशन में आते हैं वो लोग. सो आई थिंक एंड देन इसके ऊपर जो फ्लेवर है आप बात कर रहे हैं आपको शायद उसकी याद दिलाए, बट हमारा अटेम्प्ट इज़ टू गिव अ न्यू स्टोरी विद सच डायनामिक्स. यू नो रितेश इज़ नेवर बीन सीन इन दिस अवतार. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फ्यू लकी एक्टर्स इन द कंट्री हु गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले यू नो समबडी इज़ वर्टिकली चैलेंज्ड एंड अ ड्वार्फ एंड आई थिंक इज़ द फर्स्ट एक्टर हुज़ प्लेड इट इन अ नेगेटिव शेड विच मेक्स इट वेरी interesting, entertaining, menacing. I think मैं खुद बहुत excited था and surprisingly excited था क्योंकि हम सब ने इनकी जो performance है जब आप final जो CG कहते हैं हम लोग computer graphics जब ख़त्म होते हैं तभी आपको समझ आती है because इनको हम you know VFX use कर रहे हैं काफ़ी. तो I was pleasantly surprised and entertained with his performance and I think people will I'm very excited for people to come and see him. Yeah. हेलमेट तोड़ रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ इधर, इतना कॉन्फिडेंस मैं कभी नहीं था किसी पिक्चर में. तो आई थिंक इट्स फिल्म टू फिल्म. आप हमेशा अपने प्रीवियस फ्राइडेज को चाहे वो अच्छे या बुरे हो लेके नहीं चल सकते. आई थिंक एवरी फ्राइडे कम्स विद न्यू एनर्जी, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, डिफरेंट स्टोरी. तो वो मुझे रिसेंटली या इन सालों में वही सीख मिली मैं कहूँगा. आई थिंक देर इज़ लेसर फेयर ऑफ द अननोन. आई हैव सीन बोथ एक्सट्रीम्स, सो आई एम बेटर प्रिपेयर्ड एंड मोर फोकस एंड एनर्जाइज फॉर 15th of November.
where Milab's a very style of breaking bones and entertaining and people. Breaking hearts also, hopefully. So I think it's film to film. So main filhal is film mein film ko lekar bahut hi passionate hu, bahut hi excited hu, aur wahi main yahan pe leke logo ko. इन्होंने फिल्म देखी है और देखी है इन्होंने फिल्म दोनों ने, फिर भी आप बैठे जी, तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि डिसेंटली खुश होंगे. See, we have seen you like romantic film you do, but then you know, there is like a thoda angry person rehta hamesha, action hero rehta hai. Ji. Pichle humne aise kuch film dekhi. और पीछे कोई मोटिवेशन नहीं है वो बड़ा फीका पड़ जाता है. तो इस पिक्चर में जो मुझे एक्साइटमेंट मिली और ये सब एक्शन करने की जो मोटिवेशन है दैट इज ऑल बेस्ड ऑन प्योरली हिज लव यू नो फॉर दिस वन कैरेक्टर द लव ऑफ हिज लाइफ. और आई थिंक जैसा कि हम हिंदी पिक्चर में देखते हैं कि इश्क में तो सब कुछ जायज़ है, तो वो आपको देखने को मिलेगा इस पिक्चर में. म्यूजिक के बारे में कुछ बात करनी है. जिससे फिल्म आ रही मजा, उसमें काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं, मारधार भी है, तो जो 90s का कुछ फ्लेवर्स भी दिख रहा है 70s 80s 90s, तो आप उस टाइम में किस मतलब किस एक्टर से इंस्पायर है, मतलब जो सबसे ज़्यादा फेवरेट? वेल मैं 80s में पैदा हुआ, 90s में मैंने सिनेमा देखा है और ज़्यादातर कैसेट्स में देखने का मौका मिलता था. तो मैंने जो 70s का सिनेमा देखा है, बच्चन साहब की मेरे घर में कैसेट थी, जैसे एक मिसाल के तौर पर हम तो हम में सारे इमोशन दिखते हैं आपको, एंटरटेनमेंट, फैमिली, गाने, एक्शन. तो आई थिंक उसके एक्शन से मैं बहुत ही एक्साइटेड था, उनके ड्रामा से. जैसा अगर वो क्लाइमैक्स में वो आई थिंक हेलीकॉप्टर की वो रस्सी पकड़ते हैं और चिल्लाते हैं ऐसा करके बख्तावर एंड वो जो वो इतना मैं इन्फ्लुएंस हो गया था उससे कि मुझे लगा, पहले तो मुझे लगा कि बख्तावर कोई बुरा शब्द है, तो मैं घर में अपने कज़न को सबको डराता था कि यार मैं गाली दे रहा हूँ उनको, बख्तावर. बट वो इन्फ्लुएंस है उस सिनेमा का. तो मैं पहले भी कह चुका हूँ मैं मिस्टर बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और तो डेफिनेटली उन्होंने मुझे ही नहीं, आई थिंक एक नहीं कम से कम दो या तीन जनरेशन को इंस्पायर किया है अपने सिनेमा से और अपने परफॉर्मेंसेस से. तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जो ये मरजावा का किरदार है उनसे इंस्पायर्ड है एज अ फैन. मेरा पर्सनल फेवरेट सबसे पहले, इफ यू डोंट माइंड, मैं आई वुड लाइक टू ऑनेस्टली गिव पूरा क्रेडिट टू भूषण जी. मैं लोग आजकल कहते कि यू नो मेरी सत्य में जयते में अच्छा म्यूजिक था, मर जाओ में, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, वो सब भूषण जी की वजह से. उन्होंने गाने सिचुएशन सुना और गाने सिलेक्ट किए. इनफैक्ट तुम ही आना जो सॉरी बट मेरा फेवरेट गाना है इस फिल्म का, नंबर वन सॉन्ग है वो. मैं नरेशन दे रहा था उनको ऑफिस में और उन्होंने रोक दिया मुझे और फ़ोन निकाला और उनके पास गाना था स्क्रैच. उन्होंने मुझे तुम ही आना वही सुना था कि नो ये गाना तेरी सिचुएशन में फिट होता है. आई सेड सर प्लीज़. और एक साल पहले, ऑलमोस्ट एक साल पहले. सो आई मस्ट गिव क्रेडिट फॉर द एंटायर म्यूजिक ऑफ मरजावा अदर देन द म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर्स, लिरिसिस्ट टू भूषण जी. ओके सिद्धार्थ, व्हिच इज योर फेवरेट? जी जैसा कि इन्होंने कहा तुम ही आना कम्स इन, बट आई थिंक थोड़ी जगह जो दूसरा रोमांटिक ट्रैक है वो जैसे मैंने हाल ही में पिक्चर देखी तो मुझे जिस मुकाम पर वो आता है आई थिंक वो बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही हार्ट फेल्ट है. और क्योंकि वो आई थिंक वो शायद थोड़ा लेट आया गाना तो लोगों ने देखा नहीं, पर मैं कॉन्फिडेंस है कि आप कहूँगा कि जब लोग पिक्चर में देखेंगे उनका उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा उस गाने का. आई लाइक बोथ ऑफ देम. मुझे तुम ही आना भी पसंद है, थोड़ी सी जगह भी पसंद है. थोड़ी जगह और क्या है कि आई थिंक जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि गाना सुनने में अच्छा लगता है लेकिन उसका सही इम्पैक्ट तब आता है जब पूरी कहानी में इमोशंस के साथ जब आपको झटका लगता है. और क्या होता है कि मेनी टाइम्स द सॉन्ग एड्स टू द इमोशन ऑफ द सॉन्ग और उसकी पॉपुलैरिटी. जैसे मैं परसों मैं प्रमोशन के लिए आ रहा था घर के बाहर और ट्रैफिक में गाड़ी थी, बाजू में तुम ही आना कोई ब्लास्ट कर रहा था और मैं मेरी गाड़ी में गाने चले मैं बाजू के तो आँच खोल के देखा तो दे वर एंजॉयिंग द सॉन्ग. सो यू गेट टू नो द पॉपुलैरिटी ऑफ द सॉन्ग जब लोग हर जगह गाना सुन रहे हैं. आई थिंक इट्स वंडरफुल. ओके थैंक यू. लास्ट मैसेज फॉर द व्यूअर्स.
15 नवंबर को तुम ही आना, सभी आना, अपने पड़ोसियों, परिवार, पड़ोसी, दोस्त, दुश्मन, थोड़ी सी जगह बनाएंगे आपके लिए, जिनको नहीं जानते उनको भी सड़क से उठा के थिएटर में लेके जाना, बट फिल्म देखने आना, बिकॉज हम दिल जीतेंगे भी आई थिंक और दिल तोड़ेंगे भी ऑडियंसेस का इमोशन के साथ इस फिल्म में. हमारी पिक्चर आ रही है मर जावा 15 नवंबर गाइस, थैंक यू, थैंक यू. 15 नवंबर मर जावा दिस फ्राइडे. जय हिंद.